Assalamualaikum to class. Welcome back in SST class. Today is our 10th lecture of SST. Students, in last lecture, we complete our reading P number 40, unit number 4, buildings. And next we start reading page number 41. Some buildings materials. Aaj hum building materials ke bare mein reading karenge. Houses are made of stone, bricks and cement. Houses जो हैं घर वो बनाए जाते हैं पत्थरों के साथ, ईंटों के साथ और सीमेंट के साथ. Many other materials are also used. और इसके लिए दूसरे बहुत से material इस्तेमाल किए जाते हैं. When a house is built, जब घर बनाया जाता है, deep holes are dug for the base and concrete is poured into it. कंक्रीट इज़ मेड ओवर स्मॉल स्टोन्स मिक्सड विद सीमेंट. कंक्रीट जो है वो छोटे छोटे स्टोन्स के साथ और सीमेंट के साथ मिलकर बना होता है. दिस गिव्स द हाउस अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो घर को एक मजबूत बुनियाद देता है. आयरन और स्टील इज़ यूज फॉर पिलर्स इन द वॉल्स. आयरन और स्टील जो है वो दीवारों में पिलर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. द पिलर्स होल्ड अप द रूफ. पिलर्स जो है वो छत को पकड़ के रखते हैं. Wood is also used for doors and windows in buildings. लकड़ी जो है वो इस्तेमाल होती है door और windows बनाने के लिए. building में जो doors और window लगती हैं वो किसकी होती हैं? वो wood की बनी होती हैं. अच्छा, ये materials हैं सारे जो कोई एक construction के लिए जो है वो main ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ये हैं, जिनमें first में है cement, stones, steel, bricks, clay, वुड. इन सारी चीज़ों से मिलकर जो है वो बिल्डिंग बनती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डर्स. बिल्डर्स कहते हैं बिल्डिंग्स बनाने वालों को. मैनी पीपल हेल्प टू बिल्ड हाउसेस. बहुत से लोग घर बनाने में मदद करते हैं. द पर्सन हु फर्स्ट वर्क ऑन अ हाउस इज एन आर्किटेक्ट. पहला शख्स जो कि काम करता है घर पर उसे आर्किटेक्ट कहते हैं. आर्किटेक्ट कहते हैं नक्शे बनाने वालों को. Before all the other work being an architect designed the new house and draws pictures of it. कोई भी काम करने से पहले जो आर्किटेक्ट है वो डिज़ाइनिंग बनाता है न्यू घर का और उसे ड्रा करता है एक पिक्चर और एक उसकी पिक्चर ड्रा करता है. द आर्किटेक्ट मे प्लान विद हेल्प अदर वर्कर्स टू डू देयर जॉब्स. आर्किटेक्ट जो काम करता है वो एक प्लान बना दूसरे वर्कर्स के साथ मिलकर अपना काम करता है. ये देखें, इधर आर्किटेक्ट को दिखाया गया है जो कि एक मैप डिज़ाइन कर रहा है एक बिल्डिंग का, एक घर का. कोई भी घर या मैप, कोई भी घर या बिल्डिंग बनाने से पहले जो है वो उसको प्लान किया जाता है, उसके लिए एक मैप बनाया जाता है. वो मैप कौन बनाता है? एक आर्किटेक्ट बनाता है. ठीक है, फिर उस मैप के अकॉर्डिंग जो है वो पूरी बिल्डिंग को तामीर किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, आज की रीडिंग जो है वो हमारी इधर तक ही है. आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें और साथ में आपने जो है वो पीछे वाली रीडिंग को भी रिपीट करना है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.